आजकल जमकर केमिकल वाले कॉस्मेटिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खासकर लड़कियां इन कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि कॉस्मेटिक्स यूज करने से जीवन में इस्तेमाल होने वाले कई चीज़ों और जीवन शैली का असर हमारे जीन और डीएनए पर होता है। सालों से हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन गई चीज़ों का असर अगली पीढ़ी पर पड़ता है। ऐसा आप इस वक्त पैदा हो रहे बच्चों में देख सकते हैं। उनके फीचर्स और रंग रूप के साथ ही उनके दिमाग पर भी काफ़ी असर पड़ा है। इसी तरह हम जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं उनका असर भी हमारे शरीर पर पड़ता है। एक रिसर्च में पता चला है कि केमिकल युक्त कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधन की सामान इस्तेमाल करने से बच्चों की हार्मोन पर असर पड़ता है और उनकी युवावस्था जल्दी आ जा रही है। जन्म से पहले टूथपेस्ट, मेकअप, साबुन जैसे कॉस्मेटिक्स में मौजूद केमिकल के संपर्क में आने से कम उम्र में ही लड़कियों की युवा होने की संभावना बढ़ सकती है। मंगलवार को प्रकाशित एक रिसर्च में यह जानकारी दी गई है। अमेरिका के बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रिसर्च में पाया गया कि जिन लड़कियों की माताओं के शरीर में गर्भावस्था के दौरान डाइराइथाइड थैलेट और ट्राइक्लोसन का स्तर अधिक था, उन लड़कियों को कम उम्र में ही युवा होता देखा गया है। यूएसए सेंटर फॉर द हेल्थ असेसमेंट ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ सलिनास अध्ययन के तहत एकत्र किए गए आंकड़े से ये नतीजे सामने आए। 338 बच्चों पर यह अध्ययन किया गया है, जिसमें पता चला है कि जन्म से ही ये बच्चे युवावस्था की ओर से बढ़ रहे हैं। टेक न्यूज रूम की रिपोर्ट।